अपराधी के कहने पर पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को दोषी करार दिया गया। बिना पुलिस जांच के कार्रवाई भी हो गई। पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से देवनारायण यादव ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। जो कि बलिया के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा, श्याम कुमार अभी पढ़ता लिखता है, भाई भाई के जमीनी विवाद चल रहा है जिसमें हमारा घर भी तोड़ दिया गया है। वहीं कमल देव नामक व्यक्ति को हम जानते तक नहीं हैं, वह गलत ढंग से हमारे बेटे श्याम को फंसा रहा है। वहीं देव नारायण यादव ने कहा, अगर फंसाया जा रहा है तो क्यों फंसाया जा रहा है, जो भी है सही ढंग से इस मामले की जांच हो, निर्दोष को फंसाया ना जाए। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देव नारायण यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बदिया। अभी आप कहाँ रहते हैं? सदर थाना में रहते हैं। क्या मामला है, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारा लड़का पढ़ते है, उसको जो है कमल देव जो है सो वो हमारा जमीन के लड़ाई है हमारे भैयारी में, और वो की क्या है तो उसे उसको पोता जो है उसको साथ रहता है, और वो जो है हमारा जो है सो लड़का को फंसा दिया कि जो मोटरसाइकिल पर जो उसको भागा है। हाँ, तो बात सब तो नहीं है, वो सब बहुत बड़ा गलत बात है। हाँ, न कोनो पुलिस जांच कर रहा है, न कुछ कर रहा है, और लड़का तो फंसा रहा है। क्या नाम है आपके लड़के का? श्याम कुमार। और पढ़ाई करता है? जी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ाई करता है? बारहवीं देगा इस बार क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये कमल देव यादव कौन है? कोई नहीं है। आपके लड़के के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है? नहीं, कभी आप मिले हैं इससे? नहीं, हमको उससे नहीं मिला। कभी नहीं मिला उससे? तो कमल देव यादव किस चीज में पकड़ाया है? वो जो है मोटरसाइकिल को चेंज कर ले गया था कि कहाँ से गया है, तो उसी में पकड़ाया। उसी में पकड़ाया है? तो फिर उसने आपके लड़का का नाम दिया है? हाँ, हमारा नाम लड़का को पता है। कहा है आपके लड़का का नाम क्यों दिया उसने, आपको पता है कुछ? हाँ, तो जो है ना, हाँ, हमारा भैयारी में जो है धंधा चलता है जमीन का। अच्छा। हाँ, दियादी में। अच्छा, तो जमीन जो है ना, हाँ, सो केस चलता है दोनों आदमी के। अच्छा, तो उसके पोता जो है, क्या नाम उसके पोते का? जी नाम है अमरनाथ। अमरनाथ जो है सो अमरनाथ यादव नाम है। अच्छा, तो कमल देव का अमरनाथ के साथ उठना बैठना? हाँ, उठना बैठना। ठीक है, इसीलिए जो तो फंसा दिया। अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? हमारे भाई का नाम है रामदेव यादव। कितना जमीन है जिस पर आप लोग का लड़ाई चल रहा है? वो जमीन है 9 कट्ठा जमीन। किसका जमीन था वो? वो हमारा बाबू जी खरीदे हुए था। अच्छा, तो दोनों भाई में बांट दिया? बांट दिया। अच्छा, बहुत पहले। अच्छा, 40 साल पहले। अच्छा, आप जो कहता है कि जो हमारा उत्तर से जमीन पड़ा हिस्सा, उसको दक्षिण से पड़ा, अब वो कहता है चिरवा पट्टी, अभी मैं मकाने नहीं बैठेगा। अच्छा। हाँ, ट्रैक्टर से मकान के भी गिरा दिया। अच्छा, तो इस पे कैसा कैसी हुआ है? हाँ, कैसा कैसी है। चलिए, यानी ये जमीन का मामला, तो इसमें आपका कहने की क्या मतलब है? कमल यादव ने जानबूझ के आपके लड़के को फंसाया? हाँ, जानबूझ के फंसाया। पुलिस इस पर पुलिस जो है तो कोनो जांच पड़ताल नहीं किया। अच्छा, जब गलती किया है कि सही किया है कि सो करना चाहिए, ये सब नहीं। यानी आपके कहने का मतलब है कि पुलिस ने खोज भी नहीं किया? हाँ। अपराधी के कहने पे आपके बेटे बेटे को अपराधी, मतलब अपराध में उसको सम्मिलित ऐसा मान लिया, यही तो? हाँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से दरभंगा के बड़े पुलिस अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उचित फैसला करना चाहिए, उचित जाना चाहिए, जताना चाहिए कि अपराधी के कारण भी जाना चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगे सदर थाना प्रभारी को? नहीं, तो वही देखना चाहिए सर को, जो है तो देखना चाहिए कि भाई गलती किसका है, फंसाया कैसे फंसा दिया, तो सब जांच करना चाहिए। यही बात सर। एक मिनट रुकिए, आपने अभी तक कहीं आवेदन भी जमा किया है? हाँ, जमा किया है। किसको दिया आवेदन? मुख्यमंत्री। हाँ हाँ। और बीजेपी, डीजीपी, सीनियर एसपी, सीनियर एफसी, बड़े पुलिस। मैंने आपने बड़े अधिकारियों को दिया है? हाँ, इस केस की सही से जांच करें। हाँ, जांच करें। तब जानकारी करें।